और जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पंडित प्रताश यूट्यूब चैनल जनुथर जनुथर, और मंच का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय सतीश वंसल नेताजी, सुनिएगा। सर्वप्रथम भूतेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और भूतेश्वर प्रांगण में विराजमान श्रोताओं को मेरा प्यार भरा राम राम, स्वीकार करें राम राम साहब। बहुत दिन बाद, करीब 15 साल बाद आज इस प्रांगण में हम आए हैं, और वो भी जमाना था जिस जमाने में इस मंच पर जिगड़ी होती थी और इतनी जनता आती थी, इतने श्रोता आते थे, इस प्रांगण में जगह कम पड़ जाती थी। और आज वो भी जमाना है, श्रोताओं का पता नहीं चल रहा है, न जाने कहां चले गए, या तो जिकड़ी समझ में नहीं आ रही है, या कलाकार बंधु जिकड़ी का पतन कर चुके हैं, या कलाकार बंधु जिकड़ी नहीं गा रहे हैं, और जो श्रोता रह गए हैं बकाया, या तो ये पता चल रहा है ये वास्तविक अच्छे श्रोता है, और या अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है अगर ये घर को जाए सोने के लिए तो घर वाले कुंडी नहीं खोलेंगे, ये हो सकता है। लीजिए, जिकड़ी क्षमा चाहूंगा श्रोताओं से, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। भैया जी आप शांत बैठ जाइए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे यहाँ कि जो मेन धुरी होती है जिकड़ी, जो मर्यादा से गाई जाती है जिकड़ी, क्या चीज होती है। जैसा कि ये बेटी बता रही थी और मर्यादा में गाया, सर्वप्रथम जिसे साखी कहते हैं बुद्ध जी भी, साखी जिकड़ी की एक जड़ होती है। साखी सुनाऊंगा और ध्यान दीजिए आध्यात्म की तरफ, ये सबके लिए विदित है, साकी हम आध्यात्म सुनाते हैं। मेरे भाई धर्मवीर जी नई नई चीज सुनाने की कोशिश करते हैं, पर किसको सुनाएं, कम श्रोता है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। इकली छोड़ चलो बेदर्दी, जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के निवेदन कर रही है,
इकली छोड़ी चलो बेदर्दी और कंचन दे कंचन दे हरे रोई रोई के अरे काया कह राई और ये 100 रुपए का पुरस्कार रोहतास यूट्यूब चैनल सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय जो बेटी लक्ष्मी के पिताश्री हैं मास्टर महेंद्र सिंह उनकी तरफ से। तो बिल माटी ऐसे गवैया गावो में जिकड़ी
अब तक का उन्हें गाइया का ईमानदारी दे बताओ। अब देखो मेरे दम और मेरी खम और गावे का तजर्बा। नए प्रसंग की तरफ लेकर चलता हूं। भाई धर्मवीर सिंह चार रामायण से प्रसंग है। अवधपुरी के अंदर बड़े ही तेजस्वी राजा हुए। कम श्रोता है फिर भी सुना रहा हूं। दिन में चर्चा तो होगी कि जिकड़ी किसने गाई, किसने हंसी मजाक की। जिकड़ी जिकड़ से गा रहे हैं कलाकार मंदू, अच्छा है, लेकिन जिकड़ क्या होता है धर्मवीर। अवधपुरी के अंदर राजा दिलीप राज किया करते थे। बड़ा दुर्भाग्य रहा, कोई संतान पैदा नहीं होती है। राजा दिलीप ने पुत्री रह गया, पूरे नगरवासी। मास्टर जी बैठिए, बिराजिए। राजा दिलीप का निपुत्री कहने लगे। दिल में विचार किया, मेरा कितना बुरा भाग है, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई है, अब मुझे किसके पास चलना चाहिए। याद दिला दूं, जितने भी सूर्य वंश के जो राजा हुए उनके कुलगुरु रहे गुरु वशिष्ठ। चले जा रहे हैं गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और कहा, जिकड़ी की पुरानी जो तर्ज होती है वो सुना रहा हूं। तेरे लिए एक गैया ने श्राप दिया है, जिस गैया का नाम है कामधेनु। गुरुदेव मुझे याद नहीं है कब दिया है। जब तू देवताओं की मदद करने के लिए गया राजन, और वहां से तू देवासुर संग्राम को विजय प्राप्ति करके वापस हो रहा था, रास्ते में तेरे लिए एक गैया मिली जिसका नाम था कामधेनु। हाँ गुरुदेव मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसे नहीं गाऊंगा जिकड़ी है। हाँ निवेदन ये है, जिकड़ी है सुनो, जिते एक देर मन लगे जिते एक देर, और मन ना लगे जब मोते मने कर दीजो मैं बन ले जाऊंगा। हाँ जी धर्मवीर जी, श्रोता गुरु वशिष्ठ से राजा ने कहा, मुझे याद आ रहा है गुरुदेव,
उस जगह पर आपका आश्रम था, मैंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम तो तुमने किया, लेकिन जो आकाश में गंगा जी बह रही ना, वो बहुत तेजी से बह रही थी, उसकी आवाज में कोई सुनाई नहीं पड़ा। और गैया ने कह दिया, राजा ये मेरा श्राप है, तू संतान का मुंह नहीं देख पाएगा। गुरुदेव इसका कोई उपाय, इसका उपाय है, देख सुन ध्यान से। गैया ने ये भी कहा है, राजन तेरे बेटा तो होगा, लेकिन जो मेरी बेटी है जिसका नाम नंदनी है, उसकी सेवा तेरे लिए करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। गुरु वशिष्ठ से जुगत पूछ के राजा मन हर्षायो है, अज्ञा लेके मुनवरते लौट महल में आयो है। अपनी रानी ते राजा हंस हंस के बतरायो, याने आगू सगरो हाल बतायो, पूरा वृतांत बता दिया रानी के लिए। राजा दिलीप ने कह दिया, हमारे बेटा होगा लेकिन नंदनी की सेवा करनी पड़ेगी, और मैं उस कामधेनु की बेटी की सेवा में जा रहा हूं, और तू महलों में रहना भैया जी। भैया की तरफ से ये 50 रुपए, बहुत बहुत अभिनंदन। और श्रोता, गैया को बियाबान जंगल में लाता है। अब सुनिए झिकड़ी का चौक क्या कह रहा है। We'll be right back.
जिया खावे तो खुद खावे, नहीं तो राजा भूखो ही रह जावे। गैया को वहां ले जाता था राजा दिलीप, जहां हरी हरी घास दिखती थी और गैया कुछ ग्रहण करती थी तो खुद भी तभी ग्रहण करता था। गैया अगर भूखी रहती थी तो खुद भी भूखा रहता था। एक दिन क्या हुआ, राजा दिलीप गैया को ले गया बियाबान जंगल में। विचार किया, बहुत समय हो गया गैया की सेवा करते करते, और सेवा तो करनी है ही। अब गैया को इस जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्यों गैया को कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और मुझे क्या करना चाहिए, सुनिए। भगदई गैया याने करी ना पलकी देरी है, और फल छलान शेर ने गैया फिर आ गए थे घेरी है। कैसू मेरी जान बचे ना, या कि चिंता लग गई गाड़ी, और गैया शेर के आगे है गई गाड़ी। भाई साहब की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गैया शेर के सामने खड़ी हो गई। बंसल जी ध्यान से सुनना, हाँ धर्मवीर चार और निवेदन कर रही है जंगल के राजा, तू मुझे बाद में खा लेना। क्यों, कुछ सुनी नहीं रहा है और कह रहा क्या?
दिन अच्छा भोजन दियो ढेर गैया पल में करूंगा री तेरो ढेर ये 121 रुपए का पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर बंगाली उनकी तरफ से मिल रहा है। 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सुगर सिंह फौजदार शीशवाड़ा वालों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और श्रोता बंधुओं यह 51 रुपए का पुरस्कार भाई मोरल ध्वज देशवाल नंगला देशवाल से ही है उनकी तरफ से। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ब्रजेश पंडित जी की तरफ से पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गैया मैया सोचे क्या बात है ओ क्या बात है 51 रुपए का पुरस्कार 55 रुपया से लग रहे 55 रुपया का पुरस्कार। बिक्री के कलाकार बहुत सारे हुए बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े विद्वान आपने सुने हैं लेकिन श्रोताओं जिकड़ी वास्तव की ताकत से गाई जाती है। भैया जी गैया मैया सोचे खत्म कहानी टप टपनी बरस रह पानी टप टपनी बचन को पानी। मैंने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी दानियों को देख लिया है वो भी अपने बचनों पर नहीं टिके। मुझे तेरा विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है नहीं। गैया रो रही है और निवेदन कर रही है और कह रही है क्या हाय हाय डकरा बोल रही बिना गंगा यमुना की दहरत गनते बहन लगा
यार ने कह दिया मुझे विश्वास हो गया गैया तू चली जा लेकिन वापस जरूर आ जाना। भैया जी लौट के गैया आई है, लौट के गैया आई है, बेटा की सूरत देख जोर देख कई टक्कर आई है, अरे जान दे प्यारो बेटा है, जान दे प्यारो बेटा है, अमर पियल सी लिपट लाल के लिए लपेटा है, कुमर ने लफ्ज सुनाई है, कुमर ने लफ्ज सुनाई है, अरे तीजा सत्य बता लौट के वो जल्दी आई है। नहर ने आज्ञा दे दी तो वो गैया नंदनी चली गई अपने बछड़ा के पास। बछड़ा ने कहा माँ आज तू इतनी जल्दी से क्यों आ गई, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, तेरी सेवा के लिए जो जाया करता था राजा दिलीप आज वो क्यों नहीं आया है, तेरी रक्षा में रहता था, क्या हो गया माँ तू इतनी जल्दी से क्यों आ गई। धाड़ मार के रो गई, ध्यान से सुनना, और कहा मेरे लाल बेटा कन्हैया लाल ने, तू दूध आखिरी पी दियो भगवान भरोसे रहियो कुमर कीजियो पाला पोसा था प्यार से तो फिर भारी दाढ़ी लड़ायो है, समझ मेरी मजबूरी बेटा, मेरो भक्ति अखीरी आयो है, तिरवा चामिनी दिए नहर को मैं अपनों वचन निभाऊंगी, जी भर के बंधुआ। गैया ने कह दिया बेटा मेरा लाल जितना तू दूध पी सके इतने मेरे स्तनों से तू दूध पी ले, आज मेरा आखिरी समय है, मैं आज के बाद तेरे लिए कभी दर्शन नहीं दूंगी, मैंने एक नहर को वचन दे दिया है, मैं उसका भोजन बन गई हूँ, क्षमा चाहूंगा श्रोताओं से, पीछे से इशारा आ गया है, समय समाप्त हो गया है, इसलिए सबके लिए मेरा राम राम, अगर नंबर आएगा तो हम आगे की कथा सुनाएंगे, और ये बताइए आपको कथा समझ में आई है तो केवल तालियों का प्यार दे।